एक बात बताओ तो। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप यानी कि इस तरह का वीडियो को एडिट कर पाओगे, वो भी अपने फ़ोन से। तो गाइस वीडियो को यानी कि एंड तक आप विदाउट स्किप किए देखते रहिएगा। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पर। तो सिंपली उस वीडियो को, एक वीडियो को डाउनलोड कर लेना है जिस वीडियो को आपको स्टेटस बनाना है। तो सिंपली मैं एक वीडियो डाउनलोड कर लिया हूँ, यानी कि उसको प्ले कर करके देखते हैं और जो बेस्ट सीन लगेगा, यानी कि जिधर आपको स्टेटस एडिट करना है, यानी कि जो भी इमेज आपको अच्छा लगेगा उस इमेज को स्क्रीनशॉट लेना है। तो वीडियो को प्ले करते हैं। तो एक मिनट बैग जाते हैं यार। और इस सीन को मैं यानी कि ऐसी कर रहा हूँ और फिर से प्ले करते हैं और एक दो सीन और एक दो इमेज लेते हैं और प्ले करके देखते हैं। और एक ये वाला सीन अच्छा लग रहा है, यानी कि इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले लेकर, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको सिंपली मैं बीच से कट करता हूँ। और एक ऐप यानी कि आपको डाउनलोड करना होगा जिसका नाम रिमिनी ऐप है। आप इसको प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हो और लॉगिन करने के बाद आपको सिंपली डाउनलोड कर पाओगे। यहाँ से इस वाले आइकन पर क्लिक करना होगा आपको, और क्लिक करने के बाद आपकी गैलरी यानी कि खुलकर ओपन हो जाएगी। यानी कि जिस भी वीडियो यानी फ़ोटो को सेलेक्ट करने के बाद, यानी कि आप क्रॉप भी कर सकते हो यहाँ से। इधर से क्रॉप कर लेते हैं और यहाँ से सही के टिक पर आपको क्लिक करना होता है और कुछ यानी कि ऐड आएगा, यानी कि ऐड आने के लिए आपको सिंपली यहाँ से क्लिक कर देना है और कुछ यानी कि बहुत ही कम समय में यानी कि ये ऐड ख़त्म हो जाने के बाद आपको एंजॉय कुछ देर में यानी कि सेकंड ख़त्म होने वाला है। और यहाँ से कट करते हैं और आपको दिखाई देगा यानी कि इमेज बिफोर आफ्टर देख सकते हो, यानी से यहाँ क्लिक करके। और मैं जूम करके दिखा दूँ आपको, बिफोर देन आफ्टर देख सकते हो। बहुत ही कमाल के यानी कि इमेज हो चुका है। आपको यहाँ से इस तरह से यानी कि सभी इमेज को आपको रेडी कर लेना है। और रेडी करने के बाद यहाँ से एक और ऐड आ गया, इसको भी देखते हैं। यहाँ से आपकी गैलरी में वीडियो सेव हो चुकी है, यानी कि फोटो सेव हो चुकी है। गाइस आपको सिंपली अपने फ़ोन में काइनमेस्टर ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस होता है। आपको सिंपली यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको फुल स्क्रीन वाले यानी कि 9:16 वाला रेशियो को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहाँ से आपको सिंपली अपने फ़ोन में यानी मीडिया का ऑप्शन मिलती है, इस पर क्लिक करना है। और जो पिक यानी कि जो फ़ोटो आपने रिमिनी ऐप से एग्जिट किया था उस फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है। और उस फोटो को सेलेक्ट करने से पहले आपको यहाँ से वाइट या यानी कि ब्लैक ही रखते हैं बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड यानी कि एक फ़ोटो सेलेक्ट करने हैं। फ़ोटो नहीं सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना होता है और यहाँ से मीडिया का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना होता है। और जिस फ़ोटो को आपने रिमिनी ऐप से यानी एग्जिट किया था उस फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ से आपको सिंपली कुछ इस तरह से यानी कि फॉलो कर लेना है। और इस साइड यानी कि इस वाले ब्लैक वाले लेयर को आपको फुल कर देना है। और फिर से यानी कि एक बार और मीडिया के ऑप्शन पर जाते हैं और फिर से एक और इमेज को सेलेक्ट करते हैं और इसको भी फुल कर देते हैं और शुरू में आ जाते हैं। और फिर से अपने इमेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ से इस वाले आइकन को क्लिक करना होता है आपको, चाबी वाले आइकन पर। और क्लिक करने के बाद थोड़ी सी यानी कि स्क्रॉल करने के बाद यानी कि कुछ इस तरह से आपके और शुरू में इधर आ जाते हैं। और इस साइड करने के बाद आपको सिंपली इस साइड स्क्रॉल कर देता होता है और फिर से इस वाले इमेज पर क्लिक करने का, फिर से आपको यहाँ से चाबी वाले आइकन पर क्लिक करना होता है। और क्लिक करने के बाद आपको इमेज को थोड़ा जूम कर लेना होता है और इस साइड और यहाँ लाने के लास्ट में लाने के बाद इस साइड स्क्रॉल कर देना होता है।
और सही के टिक पर क्लिक करने के आपको मैं वीडियो चलाकर दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह से यानी कि आपकी वीडियो चलने लगेगी, यानी कि काफ़ी बेहतरीन तरीके से यानी कि दिख रही है। तो इस तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, लव यू, बाय, टेक, बाय। तो इसके बाद यहाँ से आप ऑडियो की ऑप्शन पर जाने के बाद म्यूजिक भी ऐड कर सकते हो। ऐड करने के बाद यहाँ से ऊपर के आइकन वाले पे क्लिक करके अपने वीडियो सेव कर सकते हो, यानी कि एक्सपोर्ट कर सकते हो।